दोस्तों, काशी घूमने के लिए तो देश दुनिया के तमाम हिस्से से लोग आते हैं। दर्शनार्थी श्रद्धालुगण बाबा काशी विश्वनाथ के साथ साथ माँ गंगा का भी पूजन करते हैं। तो क्या आप हमारे साथ बाबा काशी विश्वनाथ और माँ गंगा का दर्शन करना चाहेंगे? अगर हाँ तो आइए चलें। दोस्तों, काशी घूमना भला किसको अच्छा नहीं लगता है। काशी में तमाम ऐसे जगह हैं, मंदिर हैं, धार्मिक स्थल हैं, जहाँ पे घूमने के पश्चात मन को असीम शांति का अनुभव होता है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि सामने जो गेट दिखाई दे रहा है, यही वो गेट है जो कि बाबा काशी विश्वनाथ के मुख्य मंदिर तक जाता है, गर्भगृह के लिए जाता है। तो अगर आप बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करना चाहते हैं तो प्रथम गेट नंबर यही है 1, तो आप यहाँ से जा सकते हैं। दोस्तों, गोदौलिया चौराहे से होते हुए दशाश्वमेध घाट तक का जो मुख्य मार्ग है, ये आने वाले दिनों में काफ़ी हाईटेक मार्ग होगा, क्योंकि मुख्य मार्ग के दोनों तरफ के जितने भी भवन हैं इनको एक रंग से रंगा जाएगा। और ऐसा माना जा रहा है कि ये रंग पिंक होगा, यानी कि गुलाबी। तो दोनों तरफ के भवन जो हैं कि गुलाबी रंग से रंगे जाएंगे और काफ़ी खूबसूरत लगेगा। दोस्तों, रोड के दोनों तरफ पत्थर और चौकों को लगाने का कार्य तीव्र गति से चल रहा है और ये काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। यहाँ पे शाम को आने वाला जो क्राउड होती है, रश होती है, अब इसकी वजह से नियंत्रित होगा। दोस्तों, बनारस में जो एक काशी विश्वनाथ धाम है, यहाँ पे आजकल ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम से ये प्रोजेक्ट है। तो ये कॉरिडोर काफ़ी सुंदर बन रहा है, काफ़ी सुसज्जित बन रहा है। आने वाले दिनों में जो है कि यहाँ पे बहुत सारे दर्शनार्थी, पर्यटक, जो श्रद्धालुगण हैं, देश के तमाम हिस्सों से आएंगे और इस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का आनंद लेंगे, क्योंकि यहाँ से जो माँ गंगा की दूरी है लगभग 200 मीटर ही रह जाता है और काफ़ी दुर्लभ और काफ़ी ज़बरदस्त नज़ारा यहाँ से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से होते हुए बाबा काशी विश्वनाथ और माँ गंगा का जो समागम होता है, संगम होता है, काफ़ी ज़बरदस्त लगता है। तो आइए चलते हैं। दोस्तों, अगर बनारस के हृदय स्थली की बात किया जाए तो गोदौलिया चौराहे से होते हुए ये दशाश्वमेध घाट तक का ये जो रोड है ये काफ़ी बेस्ट है, क्योंकि देश दुनिया के तमाम हिस्सों से श्रद्धालु आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं और गोदौलिया चौराहे से होते हुए माँ गंगा तक जो ये रास्ता है जहाँ पे शाम का गंगा आरती होता है वहाँ तक जाते हैं और इसी रोड से होते हुए आते हैं। तो ये काफ़ी यहाँ पे शाम का जो रश होता है, काफ़ी क्राउड होता है इस रोड पे, तो इसी को देखते हुए यहाँ पे ग्रीन चौकों और पत्थर वगैरह लगाने का जो कार्य किया जा रहा है काफ़ी ज़बरदस्त है। ये जो गोदौलिया चौराहे से होते हुए दशाश्वमेध घाट तक का रोड है काफ़ी बिजी रोड है। दोस्तों, अगर होटल लॉज या गेस्ट हाउस की बात करें तो 500 रुपये से लेकर के 2000 रुपये तक में आपको अच्छे से अच्छे क्वालिटी में आपको होटल लॉज या गेस्ट हाउस इस रूट पे मिल जाएंगे, जो काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी बेहतरीन इनके कमरे होते हैं। और आप यहां से बाबा काशी विश्वनाथ और शाम का जो विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती होता है उसका भी दीदार कर सकते हैं। तो दोस्तों, गोदौलिया चौराहा, दशाश्वमेध घाट और बाबा काशी विश्वनाथ पर आधारित हमारा वीडियो आपको कैसा लगा नीचे दो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव।